लॉजिक गेट्स के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप पहले वहां जाके उन लॉजिक गेट्स के बारे में जानो, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, उसके बाद ही आपको ये करना है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी बुलियन लॉज के बारे में। तो शुरू करते हैं, व्हाट आर द बुलियन लॉज। बुलियन लॉज जो है हमारी किस में यूज होती है, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस में। जो भी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होता है, अगर हमें उसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें उसके लिए लॉज को याद रखना होगा, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी लॉज हमारी यूज होती है सिंप्लीफिकेशन में। उससे पहले ये हमारा बुलियन लॉज और जितने भी रूल्स हैं वो बुलियन अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि हमारा बुलियन एडिशन कैसे वर्क करता है और बुलियन मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है। बुलियन एडिशन में क्या होता है, बुलियन एडिशन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने और गेट के बारे में पढ़ा था, और ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। लाइक अगर हमारा ए प्लस बी है और हम इसको क्या बोलते हैं, बुलियन एडिशन को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं वेरिएबल्स को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सम टर्म्स। ठीक है, तो अगर हमारी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होगी तो हमारा आउटपुट रहेगा 1, और अगर हमारा एक भी हमारी वैल्यू 1 होगी तो भी हमारा आउटपुट रहेगा 1। डेट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड सम टर्म, क्योंकि हमारी टर्म्स जो हैं वो सम की हैं, हमारी टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा बुलियन मल्टीप्लिकेशन। बुलियन मल्टीप्लिकेशन सेम हमारा कैसा वर्क करता है, जैसे हमारा एंड गेट पे वर्क होता है। और उसको हमारा इसमें हमारा कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो टर्म्स हैं उनका जो होता है प्रोडक्ट होता है, इसको हम टर्म्स बोलेंगे, और इनकी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट टर्म। अगर हमारी दोनों वैल्यूज 1 है तो ही हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 1, अदरवाइज हमारा क्या होगा, 0, जैसे हमारा किस में होता था, एंड गेट में होता था। तो ऐसे ही हमारा बुलियन मल्टीप्लीकेशन में वर्क होता है। बुलियन मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टर्म, एंड बुलियन एडिशन को हम क्या बोलते हैं, सम टर्म्स। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जो हमारी टर्म्स होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। जैसे सम टर्म में ए प्लस बी होगा तो वो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, सेम रहेगी वैल्यू, ए डॉट बी देन बी डॉट ए, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट टर्म। नेक्स्ट सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारा क्या, ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, वेरिएबल्स सेम रहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी विद इन द ब्रैकेट, देन यहाँ पर हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट टर्म में ए डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी हमारे ब्रैकेट में है तो इसमें ए डॉट बी ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों वैल्यूज सेम रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी है तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए के साथ बी की प्रोडक्ट देन सम देन ए के साथ सी की प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। अब सेकेंड वन इज ए प्लस बी डॉट सी है तो हमारा किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी डॉट सी है ना तो डॉट में, मतलब हमारे इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट टर्म्स, क्योंकि इन टर्म्स का क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, सम टर्म्स, ए प्लस बी और देन ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस डॉट ए प्लस सी। फर्स्ट वन इज सम टर्म, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट टर्म। नेक्स्ट इज अनलमेंट लॉ। अनलमेंट लॉ में क्या होता है, ए के साथ अगर हमारी जीरो की मल्टीप्लीकेशन होगी तो वैल्यू आएगी जीरो, और अगर हमारा ए के साथ वन की प्रोडक्ट होगी तो सॉरी एडिशन होगा तो वैल्यू होगी हमारी 1। अनलमेंट लॉ में ये होता है। आइडेंटिटी लॉ में अगर हमारा ए वेरिएबल के साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 1 की तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ए। मींस जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं और हमें कहीं 1 लाना है तो हम उसमें क्या कर देंगे, ए में ए डॉट 1, मींस आइडेंटिटी लॉ से सेम रहेगी वैल्यू, ए के साथ 0 प्लस करेंगे तो भी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ए। ये हमें आइडेंटिटी लॉ में आता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, 1, और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। आइडमपोटेंट लॉ में क्या होता है, जब हमारा ए प्लस ए होगा तो हमारा आउटपुट में ए ही रहेगा,
और अगर हमारा ए डॉट ए होगा तो भी हमारा आउटपुट ए रहेगा. मीन्स अगर हम उनका सम टर्म लेते हैं तो भी हमारा आउटपुट ए रहेगा, अगर हम उनका प्रोडक्ट टर्म लेते हैं तो भी हमारा आउटपुट ए ही रहेगा. नेक्स्ट इज डबल नेगेशन लॉ. डबल नेगेशन लॉ में क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो हमारा आंसर में क्या होता है, अनकॉम्प्लीमेंट हो जाता है. अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और फिर हमारी वैल्यू आउटपुट में क्या आती है, अनकॉम्प्लीमेंट वैल्यू आती है. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, इसमें ए डॉट ए प्लस बी होगा तो जो बी सिंगल वेरिएबल होगा वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचेगा ए वेरिएबल तो हमारा आउटपुट में क्या रहेगा, आउटपुट में रहेगा ए. देन ए प्लस ए डॉट बी में भी हमारा ऐसे ही है, हमारा सिंगल वेरिएबल कौन सा है, बी, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा आउटपुट क्या रहेगा, ए. तो सो स्टूडेंट्स, आई विश आपको ये लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा समझ में आ गई होंगी. अगर जिस भी स्टूडेंट को समझ में ना आए वो मुझे कमेंट कर सकता है. सो कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी स्टडीज कंटिन्यू रह सके. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में और हम अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं विद द यूज़ ऑफ दीज लॉज़.